नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लौटे हैं विधानसभा चुनावों की 20 बड़ी खबरों के साथ। रोड शो और पूजा के बाद सीएम वसुंधरा राजे ने दाखिल किया पर्चा। छत्तीसगढ़ में राहुल की आज 3 रैलियां। सत्ता में वापसी के लिए आखिरी जोर। एमपी के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र, हर साल 10 लाख रोजगार, लड़कियों को स्कूटी का वादा। राजनीतिक बयानबाजी के बीच आरएलएसपी की कार्यकारिणी की बैठक शुरू। छत्तीसगढ़ चुनाव के आखिरी दौर में हाई प्रोफाइल सीटों पर शाह राजनाथ रघुवर करेंगे सभा। मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव मैदान में उतरी 14 महिलाएं। एमपी की राजनीति, मुसलमानों के वोट तो चाहिए लेकिन टिकट देने से परहेज। राजस्थान में भंवरी देवी हत्याकांड के आरोपियों के बेटा बेटी को कांग्रेस का टिकट। राहुल गांधी बोले, बीजेपी में फर्जी डिग्रियां मंत्री पद पाने का शॉर्टकट रास्ता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी बोले, पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया, वे भांग खाए लोग हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अरुण जेटली और शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी ने जारी किया विजय डॉक्यूमेंट। छत्तीसगढ़ में बोले नवजोत सिंह सिद्धू, पोस्टरों में प्रधानमंत्री का चेहरा छोटा हो गया क्योंकि उनकी छवि धूमिल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में शाह के साथ भाजपा का शक्ति प्रदर्शन आज। ब्रिजमोहन, श्रीचंद्र और नंद कुमार के साथ घूमेंगे शहर की सड़कों पर। छत्तीसगढ़ में सिद्धू ने कहा, अमीरों की कठपुतली है पीएम मोदी। राजस्थान विधानसभा चुनाव, माकपा ने 28 उम्मीदवार घोषित किए। सिंधिया ने शिवराज को बताया कंस, और शकुनी बोले, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। राजस्थान में कांग्रेस को बगावत का डर, बीजेपी की अब तक आई लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की तीसरी सूची, 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल। चुनाव से पहले आयोग ने सभी पार्टियों को दिया झटका, चंदे को किया आधा। चिदंबरम ने पीएम मोदी की यादाश्त पर उठाया सवाल, गिनाए गैर गांधी परिवार के 15 अध्यक्षों के नाम। तो ये थी विधानसभा चुनाव की 20 बड़ी खबरें जो हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें।